एवरीवन वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, कैसे आप सभी। तो आज आपके सामने लेकर आया हूं एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.4 का आखिरी सवाल और फिर ये लेसन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। संख्या की लेसन भी लास्ट हो जाएगा, क्लास 10 का एनसीईआरटी गणित है क्लास 10 का, ठीक है। तो इस लेसन का लास्ट सवाल पढ़ें और बहुत ही ईजी सवाल है। और इससे इसको देखने से पहले अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखें शुरू वाला जो मैं इस लेसन से पढ़ाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैं मध्य माध्यिका बहुलक और तोरण के बारे में बताया था। तोरण में दो टाइप्स होते हैं, एक कम से कम एक अधिक से अधिक रहता है, से कम से अधिक लिखा रहता है। तो उसको कैसे बनाते हैं तो अगर वो देखे होंगे समझ आया हो तो इस सवाल को पछाने तरीके से समझ पाओगे। हालांकि मैं यहाँ पर फिर भी बता दूंगा। यहाँ पर सवाल बोलता है कि 100 गांव सारणी में दिया हुआ है, 100 फार्मों में दिया हुआ हेक्टेयर गेहूं का दर्शाता हुआ ये। अब बोलता है अधिक के प्रकार, क्या बोलता है अधिक के प्रकार के बटन में बदलिए और फिर उसका तुरंत बदलिए। अधिक के प्रकार में बटन में बदलना है, ठीक है। तो बंटन में बदलने बोल रहा हूँ और उसको तुरंत निकालने बोल रहा हूँ, तो पहले इस तरह बनाना पड़ेगा हमको। चलो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, जो दिया वहाँ पर लिख लेते उत्पाद दिया हुआ है उत्पाद, और ये क्या दिया फार्मों की संख्या, फार्मों की संख्या। यहाँ पे एक कॉलम और मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए एक कॉलम और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रुक जाओ। ओके देखो तो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ और फिर इसको लेने के बाद देखो बताते हैं क्या करना, आखिर मैं इसको लिया क्यों यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है 50 से 55 उसको पहले लिख लेते हैं, 50 से 55 दिया हुआ है, ये तो हल कर रहे ना, तो हल कर लेते हैं यहाँ पे। और क्या क्या दिया हुआ है, 55 से 60, 60 से 65, 80 तक दिया हुआ है, तो हम उसी को लिख लेते हैं 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80 ये दिया हुआ है, ठीक है। फार्मों की संख्या 2, 8, 12, 24, 18, 36, 2, 8, 12, 24, 38, 16 ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, अधिक के प्रकार के बंटन हमको बदलना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग क्या निकालते, संचयी बारंबारता भी निकालते इसको हम, है ना, संचयी बारंबारता भी निकालते हैं, यानी कि सी एफ हमको निकालते हैं। यहाँ पे हमको बदलना पड़ेगा अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक हमको रूप में इसको बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अधिक से अधिक, सॉरी से अधिक से अधिक। अब यहाँ पे कैसे लिखें, कितना से अधिक यहाँ पे है, क्या लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अधिक अधिक लिखेंगे तो सोच लो यहाँ पे क्या करना है। तो देखो 50 से अधिक है, 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, तो यहाँ पे वही लिखेंगे 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। देखो इस रूप में बदलने बोल रहा, बदल दिया। सी एफ कैसे निकालते हैं तो देखो, अधिक से कम वाला में अलग से निकालते थे, से कम वाला में इस सी एफ इजी से निकालते थे, इसको जोड़ते थे और इसको जोड़ दो लिख लेते थे पहले यहाँ पे, और 8 दो 10, 10 बारह 22, ऐसे 8 दो 10 है ना, 8 दो 10, 10 बारह 22 ऐसे करते जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ से अधिक, जब से अधिक दिया रहे तो इसका नियम जो है उल्टा हो जाता है, इसका नियम जो बदल जाता है। और नियम क्या बदलेगा यहाँ पे, जो देखो एक दूसरे को माइनस करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे एक दूसरे को माइनस हमको करना पड़ेगा, यानी कि जो 8 है ना, 8 और 2 जो दिया हुआ उसको माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल आपको पता है यहाँ पे जो टोटल ये जो निकल रहा है फार्मों की संख्या, इसको टोटल एफ अगर बोलें तो टोटल 100 आता है, या एन बोले है ना, एन दिया टोटल 100। और आप जानते हैं जो संचय बारंबारता होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, जो अधिक से अधिक रहता है ना ये जस्ट ऊपर जाता है, और कम से कम से कम रहता था तो नीचे आता था, जोड़ के संचय बारंबारता जब जोड़ के निकालता था तो नीचे आता 100 और ये इससे मैच करता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना बोल रहा 50 से अधिक, तो 50 से अधिक बोलो कितना है, 50 से अधिक तो सब है, 50 से अधिक तो सब है, यानी कि 50 यहाँ पे दो आ रहा है ना, ये दो 50 में आ रहा, अब 50 से अधिक मतलब सब के सब नीचे आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा 50 से अधिक कितना है, 50 से अधिक जो है वो पूरा 100 के 100 है। देखो 50 से अधिक तो पूरा 50 से अधिक पूरा, देखो 50 से 55 भी है, 60 भी है, 65 भी है, 75, 80 सब 50 से अधिक तक है। तो इसका अगर देखें फर्मों की जो संख्या जो है आपका एफ जो है बारंबारता, वो पूरा 50 से अधिक ही है, 50 या 50 से अधिक हो ना, 50 या 50 से अधिक, इसके साथ देखो 50 से अधिक तो 50 से अधिक ले जाएंगे यहाँ पे 100 हो गया। और फिर अगर हम बोल रहे 55 से अधिक, तो 55 से अधिक अगर लेंगे तो इसको तो ले लेंगे ना, इसको तो ले लेंगे, यहाँ सब जोड़ेंगे तो ये दो घटाना पड़ेगा हमको, कितना में से 100 में से दो घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 98 आ रहा ना, इसी तरह हमको सबको करना पड़ेगा। फिर देखो बोला क्या, 60 से अधिक बोला, 60 से अधिक तो 60 अभी इधर लेना पड़ेगा हमको, तो यानी कि 100 में से कितना घटाना पड़ेगा,
आठ दो 10 घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर बोलता है क्या 65 से दे, मतलब हमको इधर से लेना पड़ेगा, यहाँ से हमको लेना पड़ेगा, तो क्या करें उसको 100 से करना पड़ेगा हमको। ओके अब क्या करेंगे, अब हमको इसको निकालना है तो ये पूरा हमको घटाना पड़ेगा, है ना, ये पूरा घटाना पड़ेगा। तो देखो दो के सामने ये वाला आया, ये 8 वाला है, ये 12 वाला है, अब 24 का निकालना है, बोरा 65 से अधिक, तो 65 से अधिक मतलब 100 में से कितना घटाना पड़ेगा, इसके पहले लोग पूरा घटा देना पड़ेगा, कितना है 8 2 10 10 12 22, तो घटा देंगे कितना जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है, फिर इसको बोलता है ओके अब हमको निकालना क्या 70 से अधिक, तो 70 से अधिक मतलब फिर 100 में से घटाना पड़ेगा कितना का, ये देखो इतना छोड़ के पूरा घटाना पड़ेगा, तो यहाँ तक तो 22 आ रहा, तो 22 और 24 जोड़ेंगे तो कितना है 46 आ जाएगा, तो 100 में से हमको 46 घटाना पड़ेगा, तो 100 में से 46 घटाएंगे कितना आएगा, जाहिर सी बात हमारा 54 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने 75 से देख, तो 100 में से कितना घटाना पड़ेगा, पूरा जोड़ना पड़ेगा, पूरा घटाना पड़ेगा, तो 46 तो यहीं तक हो गया था, 46 में आप जो है ना 38 जोड़ दो, तो 8 6 14 84 घटाना पड़ेगा, है ना, 100 में से कितना घटाना पड़ेगा 84, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, आ गया ना 16 आ गया। तो यही हमको CF निकालना था, यहाँ पे CF निकल गया, संचय बारह मर्द निकल गया। अब ये हमारा क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे इसको हम उतारेंगे, ग्राफ पे कैसे उतारेंगे, देखो ग्राफ यहाँ पे, तो ग्राफ पहले खींच लीजिएगा, ग्राफ कॉपी में ग्राफ बना लेना, एक मिनट, यहाँ पे ग्राफ है ना इंतजाम, इसलिए हम इस यूँ ही बता रहे हैं, आप ग्राफ बना लीजिएगा। और यहाँ पे ये 0 हमारा है, ये हमारा X वाला है, ये Y वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करें, जो से अधिक लिखा हुआ है ना, से अधिक, क्योंकि से अधिक बोलता तो हम 50 से लेते हैं, तो 50 लेंगे और क्या लेंगे 98 लेना पड़ेगा हमको, तो नीचे हम क्या करते हैं 10 20 से जोड़ लेते हैं यहाँ पे 98 को। ओके तो यहाँ पे हम ये जो हमारा जो अधिक से अधिक है वो क्या हमारा ये X के रूप में है और ये Y के रूप में है, तो हम बिंदु यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे बिंदु लिख लेते हैं, ठीक है। बिंदु क्या बनेगा हमारा, यहाँ देख रहे 50 से 100 के बीच में बनेगा, यानी कि 50 हमारा X हो जाएगा और 100 हमारा Y हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या बनेगा, 55 से 98 बनेगा, तो 55 से 98 यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा क्या बनेगा, 60 से 90 बनेगा, 60 से 90 बनेगा। चौथा क्या बनेगा, 65 से 78 बनेगा, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, 70 से 54 बनेगा। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, 75 से 16 बनेगा, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब इसको हम आलेख में बना लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ये हमारा X वाला है, X वाला को हम नीचे लिख लेते हैं, ये X वाला है, ये Y वाला है, ठीक है। ये देखो 50, यहाँ देखो 50 5 के बीच में दे रहा, तो हम भी ऐसा ही करते हैं जी, 5 के डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, 5 के डिफरेंस में लेते हैं, बेहतर होगा 5 के ही डिफरेंस ले लें तो अच्छा होगा, है ना। तो चलो ले लेते हैं 5 के डिफरेंस में, तो 5 यहाँ देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 कहाँ तक जा रहा, अच्छा 55 से शुरू हो रहा है, 50 से शुरू हो रहा है ना, तो 5 से नहीं ले 50 से शुरू करेंगे, एक मिनट ये मिस्टेक हो गया, 5 से फिर नहीं, क्योंकि 5 तो यहाँ पे अधिक हो गया, फिर तो ये वेस्ट हो जाएगा मेरा ना, ये लाइन हमारा वेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको मैं सुधार लेता हूँ, ये लाइन आपका सुधर जाएगा, चलो ठीक है। तो इसको हम लेते, पहले लेते 50 55 60 65 75 75 80, ये हो गया। और इधर कितना है, इधर हमारा देखो 100 है, 16 16 54 78 90 इस तरह जा रहा, तो इधर हम 10 मान लेते हैं 100 तक, या 20 मान सकते हो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, कुछ भी मान लो 10 20 कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, तो अगर 10 मानते तो 10 कॉलम बनाना पड़ेगा, 20 मानेंगे तो 5 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे चलो 10 ही मानते, 10 तो छोटा लेते हैं 20 30, तुम एक घर को 10 घर मिलके जो एक घर बनता है ना मोटा वाला, उसको 10 मानना या 20 माना जो भी, 40 50 60 70 80 90 यहाँ पे 100 कर लिया, ठीक है, ग्राफ इस तरह कर लेना। फिर बोलता है 10 से 50, अब आलेख बनाओ 10 से 50 50 से 100, इसको क्या करेंगे यहाँ पे, तो 0 0 मूल बिंदु, ये हमारा ऐसे करें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ज़्यादा है और यहाँ 55 का डिफरेंट हो रहा है, 50 से 90 50 से 100, तो 50 यहाँ पे है,
और 100 कहाँ पे है, एकदम आखिर में है, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट आने वाला है 50 से 100। दूसरा पॉइंट देखो 55 से 98, तो 55 यहाँ पे आएगा, 98 मतलब 90 से थोड़ा सा, 100 से थोड़ा सा नीचे आएगा, इसके सामने मान लो इतना पॉइंट में आएगा, है ना, 55 से 98 आएगा। 60 से 90, 60 से 90 इसी क्रॉस में आने वाला है, यहाँ पे अनुमान से यहाँ पे बता रहा हूँ, ग्राफ में आपका क्लियर आएगा 60 से 90, ठीक है। 65 से 78, तो 65 यहाँ पे, 78 मतलब 70 से थोड़ा से आगे, यानी कि 90 से थोड़ा सा कम, 78 है ना, 80 से थोड़ा सा कम, तो यहीं पे आसपास में होगा, है ना, 65 से 78। फिर बोलता है 70 से 54, 70 यहाँ पे है, 70 से 54, 54 बोलता है, 50 4 54 इसी के आसपास होने वाला, 54 लो, तो यहीं पे आ गया 70 से 54। हो सकता है ग्राफ में गड़बड़ हो, तो आप जब ग्राफ पेज पे बनाओगे तो क्लियर बनेगा। फिर बोलता है 75 से 16, लास्ट तो यही है 75 से 16, तो 75 यहाँ पे, 16 कहाँ पे आएगी, बीच 20 यहीं पे आने वाला है, करीब में रहेगा, बिल्कुल 20 के नीचे रहेगा 16, तो यहाँ पे होगा 75 से 16। अब क्या करोगे, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, चलो मिलाते हैं, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया और यहाँ से आया, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफ पूरा हो गया, ओके, तो ये क्लियर हो गया। इस तरह से आप बना लेंगे, आपने जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना, तो पूरा क्लियर से बनेगा ग्राफ कॉपी में। इसको मतलब यहाँ से जो मोटा होता है ना, 10 लाइन का एक लाइन होता है ना, 10 लाइन का एक लाइन, उसको 5-5 मानना, और इसको यहाँ पे 10-10 मानना। मैं यहाँ पे छोटा कर दिया, बिकॉज जगह था यहाँ पे कम, इसलिए मैं कंजस्ट यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है। और फिर ये ग्राफ बना लेना, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही बनाने के बोला, सिर्फ बोला तोरण खींचने बोल रहा ना, क्या बोला, तोरण खींचने बोल रहा है। यहाँ देख रहे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे ढल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ऊपर से नीचे ढल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ये सवाल, और ये लेसन भी हो गया लास्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो खाली ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अगर अधिक से अधिक बोला जाए, अगर अधिक से अधिक बोलेगा तो ये इधर से लेना है, और जो संचय बारंबारता है, ठीक है, और संचय बारंबारता उल्टा तरीके से बनाते हैं। अगर कम से कम बोलेगा तो ये वाला लेना है, और संचय बारंबारता जैसे बनाते शुरू हो, ये 2 8 10 12 इस तरह जोड़ते आते हैं, 10 12 22 इस तरह से, तो फिर उसी तरह से ग्राफ बनेगा, फिर कम वाला रहेगा। तो तीनों क्वेश्चन मैं बना दूँ, 3 क्वेश्चन से काफ़ी यहाँ पे, और ये लेसन हो गया ख़त्म। अब मैं आपको आपके लिए शुरू करने वाला हूँ मेन सुरेशन, ठीक है ना। 2 लेसन बन गया, बच गया मेन सुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति बच गया है और रचनाएँ बच गया। इन दोनों में से आप क्या चाहते हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि मेन सुरेशन शुरू कर दूँ, आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, ओके, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।